आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यह क्वेश्चन क्या गिवन दिया गया है। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड अदर एंड द टू इनर सेल्स हैव एट इलेक्ट्रॉन्स ईच। फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। तो पहले जो मेरा सेल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी को देख लेते हैं, के एल एम एंड एन। तो यहाँ पर मेरा के का कितना होता है, 2 होता है, एल का 8 होता है, एम का 18 होता है और मेरा एन का 32 होता है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिया गया है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल एंड टू इनर सेल्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अगर मैं जो 8-8 इलेक्ट्रॉन है टू इनर सेल में, अगर इन दोनों को मैं काउंट करूँगा तो मेरा, अगर मैं एलिमेंट को एक्स लेता हूँ, यह होता है मेरा के एल एम एंड एन। तो मेरा टू इनर सेल दिया गया है 8 इलेक्ट्रॉन, तो यही दोनों मेरा इनर सेल होंगे जो कि मेरा 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि मेरा के जो है, के के पास मेरा 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए मेरा एल और एम में 8-8 आएगा और मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मेरा 1 आएगा और मेरा के में 2 होता है। तभी मैं इसको अगर ऐड करूंगा तो मेरा कितना आएगा, ये मेरा आएगा 19। तो मेरा यहाँ पर क्या आया, 19 इलेक्ट्रॉन मतलब 19 प्रोटॉन। तो 19 प्रोटॉन मतलब 19 एटॉमिक नंबर। तो मेरा 19 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मेरा जो पोटेशियम इसका क्या होता है, मेरा 19 एटॉमिक नंबर, यह होता है मेरा के। तो यहां पर मेरा फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट क्या हो गया, के हो गया मेरा और पोटेशियम, और इसका एलिमेंट नंबर, एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 19। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।